आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने पितरों को मजबूत कैसे बनाएं, या हम अपने पितरों के साथ चल रही नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करें, या हम अपने ही शरीर में बैठी हुई मलिनता को कैसे हटाएं। मलिनता अलग चीज होती है, नेगेटिविटी अलग चीज होती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा प्रभाव डालती है, मलिनता हल्का सा प्रभाव डालती है। तो इन सारी चीजों का आपको एक ही इलाज बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए। यह उपाय अगर आप पितृ पक्ष में करते हो, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर पितृ पक्ष में करते हो तो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा और शीघ्र अति शीघ्र आपके घर का पितृ दोष या भूत प्रेत की कोई बाधा व्याधा होगी वो तुरंत हट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसे में हम सबको करना क्या होगा, देखिए, या तो पितृपक्ष के दिन लगातार 11 दिन आपको बैठना होगा, या फिर ऐसा करिए कि 11वें दिन अमावस्या पड़नी चाहिए, इससे आपके सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। क्या करना होगा, जब भी आप ये काम शुरू करो कोशिश करिए पितृपक्ष में शुरू किया जा सके। पितृपक्ष के वैसे तो उतने 16 दिन बैठ जाओगे तो निहाल हो जाओगे, अन्यथा 11 दिन तो बैठना है ही है हर हालत में। 16 दिन जो अमावस्या आएगी, सर्वपित्री अमावस्या, आपका कल्याण हो जाएगा। अमावस्या में 16 दिन बैठ जाइए आप एक बार हमारे कहने से, क्योंकि हम खुद बैठते हैं वही, तो जो हम करते हैं ना वही आप लोगों करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है, शुद्ध आसन पर बैठना है। जो कपड़े पहनोगे वो कपड़े सिर्फ और सिर्फ पूजा के समय ही पहनने हैं, बाद में उतार कर उनको रख देना है, अगले दिन फिर वही पहन लेना है। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल आएगा कि क्या उनको धुलवा दें, नहीं धुलवाना नहीं है उन कपड़ों को आपको। इस ये काम करने में आधा घंटा लगे, घंटा लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय लगे कोई बात नहीं, उनको पहने रखो और हर रोज कोशिश करो 4 से 5 दिनों में उनको धुलवाया करो। क्यों, क्योंकि कपड़ों के अंदर भी एनर्जी इकट्ठी होती है। आपने खासकर हमें वीडियो में देखा होगा, लगभग गिनती के कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, उसका यही रीजन है कि उनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी होती है, जिन्हें बार बार धोने से, धुलवाने से वो चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती, क्योंकि कुछ गंदगी तो है ही नहीं, क्योंकि हमने साधना ही तो की है, थोड़ी देर ही तो पहने हैं। तो आप आराम से ये काम कर सकते हो, 5-7 दिन में एक बार उनको धुलवा सकते हो। तो उसके लिए आपको आसन पर बैठना होगा, जमीन पर नहीं बैठोगे, आसन पर बैठोगे। अपने पास एक लोटे में या लुटिया में जल भर के रखोगे, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लोगे, एक कपूर की टिक्की, 2 लौंग, हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो एक इलायची भी ले लेना, हरी इलायची जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा बाबा हनुमान को याद करके कि हे बाबा हनुमान, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मैं अपने पितरों की शुद्धता और अपने पितरों को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए बैठा हूँ। मेरे पितरों को आप अपने श्री चरणों से लगाइए, उनको शुद्धता और शक्ति प्रदान करिए, बलवान मजबूत करिए और अपने साथ अपने सानिध्य में उनको रख लीजिए। यहाँ रखने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने पितरों को बाबा हनुमान के पास छोड़ दिया है, अब पूजा नहीं करनी, नहीं। इसका मतलब है कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे पितरों को आप अपनी शक्ति दे दीजिए, फिर आपके पितरों के पास भी बाबा हनुमान के जो दूत वीर महावीरों के पास शक्ति होती है, वही शक्ति बाबा हनुमान आपको आपके पितरों को दे देंगे, प्रदान कर देंगे, फिर आपके पितर बाबा हनुमान की आज्ञा अनुसार चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये संकल्प लेना है आपको और ऐसा संकल्प 11 के 11 दिन लगातार लेना है हर रोज, और 11वें दिन और पितृपक्ष में कर रहे हो तो अमावस्या के दिन, यानी आखिरी जो 16वां दिन है उस दिन आपको दोबारा से संकल्प लेना है। बाकी दिनों में तो शुरू करने से पहले पहले संकल्प लेना है, और आखिरी दिन चाहे वो 11वां दिन हो चाहे वो 16वां दिन हो, उस दिन आपको 2 बार शुरू करने से पहले भी और शुरू करने के बाद भी, शुरू करने से पहले संकल्प लेना है कि मेरा ये काम है, करने के बाद ये बोलना है कि ये काम मैंने कर दिया है, अब आप मेरी मनोकामना इच्छा हलास पूरी कर दो। इन 16 दिनों में या 11 दिनों के अंदर अंदर आपके पितर शुद्ध रूप से पवित्र होकर आपको स्वप्न में दिखाई भी देंगे। अगर वो ज़्यादा मजबूत हैं और आपकी भक्ति भावना ज़्यादा है तो वो शरीर पर सवारी लेकर आपको एहसास करवा देंगे। इससे भी आगे पहुँचे हुए हो तो वो आपको साक्षात रूप में दीपक में दिखाई देंगे। अब आपको दीपक जलाना है बाबा हनुमान के नाम का, और जितनी देर आपकी साधना चले तब तक दीपक जलना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अपने बाएँ हाथ में एक कपूर, 2 लौंग और एक इलायची रख लीजिए एक साथ, और बैठ जाइए माला लेकर। माला के ऊपर आप जो भी मंत्र
जाप करते हो वो करिए, जो आपने सबसे ज्यादा जाप किया हो, चाहे वो गुरु मंत्र हो या कहीं से वैसे जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर कोई नाम जाप करते हो जो आप पहले से करते आए हो, जैसे राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जो कुछ भी करते आए हो उसका जाप करना है। आप जाप भी नहीं करते, आपको माला चलानी नहीं आती, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। कितनी देर पढ़नी होगी? कम से कम 20 मिनट हर रोज, कम से कम 20 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो 11 हनुमान चालीसा, कोई नाम जप रहे हो तो 20 मिनट, माला कर रहे हो तो कम से कम 3 माला करनी ही करनी है। उसके बाद ये सब कुछ करने के दौरान अगर आपके पास नेगेटिविटी होगी या आपके पितर मलिन होंगे तो आपके हाथ में जलन होगी, आपके शरीर में जलन होगी, कंधे भारी हो जाएंगे, आंखों से रोना आएगा और कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, उठ खड़ा हो बागिया से। कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए उठना नहीं है, मुट्ठी नहीं खोलनी है किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को और अपने पितरों को शुद्धता की तरफ ले जा रहे हो। यह जो 11 दिनों की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले आपके शरीर की मलिनता को दूर कर दिया जाएगा, आपके शरीर की नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा और आपके पितरों की जो किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव शक्ति के साथ चल रहे हैं या किसी बंधन में हैं या कोई अन्य परेशानी में घिरे हुए हैं, उनको भी बंधन मुक्त करके आपके पास भेज दिया जाएगा। नाम जानते हो पितरों का नाम बोलो, नाम नहीं जानते तो ऐसा बोलो, मेरे सभी पितरों को आप बंधन मुक्त करिए और अपने सानिध्य में, अपने श्री चरणों में ले लीजिए। और जो चीज़ बाबा हनुमान के चरणों में समर्पित हो जाती है, क्या कहीं से ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई देख भी सकता है? देख भी नहीं सकता। अब ये काम आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। यह जाप 20 मिनट करने के बाद 2 मिनट उसी आसन पर बैठे रहो, माला को गले में धारण कर लो। एक बार एक माला होते ही जल में फूंक मारो, एक हनुमान चालीसा होते ही जल में फूंक मारो, माला भी सिद्ध हुई, जुबान भी सिद्ध हुई, कपूर भी सिद्ध हो रहा है, शरीर भी शुद्ध हो रहा है, आसन सिद्ध हुआ, सामने जो जल रखा है वो भी सिद्ध हो रहा है। पहले से ही उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल था सिद्ध, तो वो पहले ही से था, लेकिन आपके द्वारा जो मंत्र या जो जाप जो पाठ किया गया उसके द्वारा वो और भी ज़्यादा सिद्ध और शुद्ध हो जाएगा। ऐसे में 2 मिनट वहीं बैठे रहो, माला को गले में धारण करो। अब 2 मिनट बैठकर आप उस एनर्जी को अपने शरीर में एक जगह दे दोगे, उसके बाद उठो वहां से, माचिस लो और घर के बाहर चले जाओ। लगता है कहीं किराए पर रहते हो, घर के बाहर नहीं कर सकते, तो अपने ही पूजा स्थान पर बैठकर उस कपूर को नीचे रखो, उसके ऊपर लौंग और इलायची थी ऊपर रखो और बाबा हनुमान से प्रार्थना करो कि जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप इस कपूर पर लौंग और इलायची की तरह जला दीजिए, भस्म कर दीजिए और उसको आप वहीं अग्नि दे दीजिए, वो समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे कपूर जलेगा आपकी नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, जलती जाएगी। कोशिश करना ये काम आप घर के बाहर से ही कर सको, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो ही घर के अंदर करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये काम होगा। अब आपके पास जो जल है उस जल को आप खुद पी लीजिए, कोई घर में रोगी है जिसको भूत प्रेत की परेशानी है या कोई अन्य परेशानी है उसको पिला दीजिए। सारा जल पिया ना जाए तो घर में जल का छिड़काव करिए, राम श्री राम सीता राम जय जय राम, ऐसा बोलकर जब आप छिड़काव करोगे तो बाबा हनुमान प्रसन्न होंगे, अपनी तरंगे आपके घर पर छोड़ देंगे, आपके घर की शरीर की और पितरों की नेगेटिविटी जो भी है वो दूर हो जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि ये जानकारी सही है, आपके काम आएगी और कहीं से भी ये वीडियो आपके पास आया है तो धन्यवाद करो उसका जिसके माध्यम से ये वीडियो आपके पास आया है, और संकल्प लो कि हम भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, परिवारजनों के पास और रिश्तेदारों के पास भेजेंगे ताकि उनके घर की इन बीमारियों को भी दूर किया जा सके। जय श्री श्याम।